टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। यूपी और एमपी में बुलडोजर का दमखम दोनों सरकारें खूब दिखा रही हैं। यूपी में बुलडोजर बाबा तो एमपी में बुलडोजर मामा। बुलडोजर के जरिए ये दोनों सरकारें इंसाफ करने की बात कर रही हैं। मगर रामनवमी में हुए खरगोन हिंसा मामले में अब मामा का बुलडोजर चला और कई घरों को तोड़ दिया गया, ये कहते हुए कि इन घरों से पत्थर चले थे। मगर मामा के बुलडोजर पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं लोग कि क्या देश में सिर्फ बुलडोजर से ही इंसाफ होगा? अदालत कोर्ट कचहरी किस लिए है? खरगोन हिंसा मामले में बुलडोजर ने 24 घंटे में ही अपराधियों को पहचान लिया और उनके घरों को तोड़कर पत्थर में बदल दिया। मगर बुलडोजर चलने पर भी लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग अपराध करते हैं उन्हें ही सिर्फ सजा दी जाए, ना कि पूरे परिवार को सजा देनी चाहिए। मगर मामा का बुलडोजर तो पूरे परिवार को सजा दे रहा है, उस घर को तोड़ दे रहा है जिसमें औरतें बूढ़े बच्चे सभी रहते हैं, जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। मामा का बुलडोजर इंसाफ के नाम पर पूरे घर को मिट्टी में तब्दील कर दे रहा है। यही नहीं, मामा का बुलडोजर अतिक्रमण के नाम पर पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए मकान को भी तोड़ दिया है। जरा सुनिए इस बुजुर्ग महिला का दर्द। जस्ती में तोड़ के गए और हमको ऊपर से मार मारी है इन्होंने, और हमने कहा कि हमने योजना में घर बनाया हमारा और हमको खूटी पास हुई है हमारी, तो हमने घर बनाया है। ये हमारा घर तोड़ने नहीं दी, मैं घर में से बाहर नहीं निकलूंगी, क्योंकि निकलो बाहर मुझके मैं यही मारूंगी, मत डालो मेरे को, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी कहाँ आंटी बेवा मेरे बच्चों को लेके, इनके मैं नहीं निकलूंगी। तो मैडम ने भी लगता ना, पुलिस वाले भी तब लग तान तान के मार रहे थे, और हम रोज जा उनके सामने हमने तो मेरा तो क्योंकि नहीं कहीं नहीं हिलने देंगे, बाहर निकल कुछ भी नहीं हमें हिलने देंगे। देखो सारा हमारा सामने बुलडोजर लगा थी घर को, 6-7 बुलडोजर इकट्ठी लाए, हम रोते रह गए तड़पते रह गए, पर हमारे को यहाँ से भगा या टिकने भी नहीं दिए, घेरे हमको, तो हम गोदे में बच्चे उठा उठा के ले गए हमको रोजदारों को। ये रमजान का महीना था, रमजान रोजदार थे हम, रोजदार थे हम, हमारे मुंह में से फेर से आ रहा है, रो रहा है, हमारे उनके आगे ऐसी गिड़गिड़ गा रहा है, पर हमको उन्होंने जलानी पत्थर और घेरे और डंडे मारे। पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए मकान को तोड़ने का मामला जब तूल पकड़ने लगा तो अधिकारी इस मामले में जांच की बात कर रहे हैं। इस टाइप की जानकारी संज्ञान में नहीं आई है, अगर इस टाइप की जानकारी अगर होती है ये विषय है तो इस पूरे अपनी जांच करवा। सर महिला का ये भी कहना है कि मैंने बार बार कहा टीम को लेकिन फिर भी उसको तोड़ दिया गया। हाँ वही कह रहा हूँ, मैं जांच करवा लेता हूँ कि क्या वस्तु स्थिति क्या है, फिर बता पाएंगे। मामा का बुलडोजर हो या फिर बाबा का बुलडोजर, क्या इसी तरह से इंसाफ के नाम पर बुलडोजर चलेगा या फिर हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उस कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से दोषियों को सजा होगी? अगर सिर्फ इंसाफ के नाम पर बुलडोजर ही चलता रहा तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।